साइबान मेहरबान, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, किसी को धोखा नहीं दिया, मेहनत करते हैं अपने पेट के वास्ते। वो माया नहीं, जादू नहीं, माया जाल नहीं, नीचे देख ऊपर देख। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। सर हमें 100 रुपये नहीं चाहिए, सिर्फ टी और बजी नानी का पैसा दीजिए ना सर। देखिए ऊपर देखिए, माया नहीं, जादू नहीं, माया जाल नहीं, इधर देखिए, ऊपर देखिए, जादू देखिए, माया जाल नहीं है। अभी मैं तुम्हें ज्यादा कमाने के लिए नया तरीका सिखाने वाला हूँ, ठीक है? ठीक है चाचा। अरे रे 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 रे, रोना नहीं रोना नहीं, मेरे शेर, मेरे चीते, मेरे बच्चे। अरे रे रे, लग गया क्या? अरे सीखते समय लगेगा ही ना। तुम्हें बिरयानी चाहिए ना? चाहिए ना, ऊपर वाली रस्सी को झट से पकड़ लेना, ठीक ना? चल 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 मेरे बच्चे। ए, इस बार अगर रस्सी पकड़ लिया तो तुझे बिरयानी लेके दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, बिरयानी लेके दूंगा, ढंग से पकड़ लेना। बिरयानी। जैसे रस्सी पकड़ा था वैसे ही उस सरिये को पकड़ लेना। बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। कैसा लगा चोट? वो ना मैं जब आ रहा था। बोलो बोलो बोलो। ए आंडियप्पा, जब तुम कुछ कर रहा है तो होशियार रहना, ये तो सिर्फ बच्चा है ना। मैंने क्या जानबूझ के किया? मैंने एक नया आइटम सिखा के दिया उसको, कल को ये बहुत बड़ा कलाकार बनेगा ना। ओए नाटक कर रहा है तू बे। तेरे कुछ बोल दूंगा मैं, तू सो जा बेटा। दवाई लगा दी ना, छोड़ो ठीक हो जाएगा। ए आंटी अप्पा, खाना कुछ लेना है, पैसा दो। ओ मेरे पास पैसे नहीं है, रास्ते से उठा के इन बच्चों को तुम ही लेकर आए हो ना, तुम ही देख लो, बहुत बड़े धर्मवीर हैं ये। थू क्या कर, हाथ हटा, हाथ हटा। अरे देख 400 रुपया है इसमें, पैसा रखा मन नहीं लगता तुझे देने को। अबे इन बच्चों को रास्ता से लेकर आया मैं, तू कहां से आया, स्वर्ग से आया क्या? ए तू भी लापता इंसान। हाँ मैं अकेला ही अनाथ हूँ, और तुम बहुत बड़े जमींदार। जा जा। रामू बहुत दर्द हो रहा है क्या? तुझे भूख लग रहा है क्या? पिताजी अभी खाने लाने के लिए गया है, थोड़ा इंतजार करो, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। चाचा थोड़ा ध्यान से कीजिए ना, दर्द हो रहा है। बिरयानी लेके देता हूँ। ठीक है चाचा। आ,
ओए संभाल के संभाल के संभाल के उस सरिये से बांध ले। ये नया लगता है आंटी अपन के पास आज कलेक्शन ज्यादा होगा। रामो क्यों अकेले बैठे हो? अभी दर्द है क्या? हाँ मैं ठीक हूँ। तू तो ठीक नहीं लगता। चोरी करना एक गलत बात है ना पा? हाँ पर अब क्यों पूछता है तू? और किसी को मारना? मर हे क्यों क्या पूछता है तू है? आंडे पा तू देखा उसको? बहुत डर गया लगता है। अबे तू डांटा क्या उसको? मैं उसको क्यों डांटूंगा? क्यों कुछ तो देख के डर गया होगा। कल मैं इसे तांत्रिक के पास ले जाता हूँ, ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, बच्चों को ख्याल रखो और 3 बाकी रखा हूँ, लेके आ जाता हूँ। पीने को नहीं जाने का। रामू अभी आ जाऊंगा। आराम से देख के जा, आराम से आना। क्या फंसाना चाहता है क्या? जब वो वापस आएगा मैं सब कुछ बता दूंगा। कर तूने बता दिया, मार डालूंगा। क्या तुझे ही नहीं तेरे बाप को भी मार डालूंगा। Thank you.
डिंग डिका डिंग डिका डिंग डिका हे 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 हे। तुम्हें यकीन है कि वो मर गया? हाँ मैं जानता हूँ, मैंने खुद अपने आंखों से ही देखा है। चाचा ने कैसे किया ये सब बताओ ना रामो। चाचा ने उस आंटी को ऐसे गला पकड़कर मार दिया। वो आंटी ने भागने की कोशिश भी किया था लेकिन नहीं हो पाया। जब पिताजी वापस आएगा ना, हम ये सब उनको बोल देंगे, ठीक है? यूनिफॉर्म को बास्केट घर से लेकर आ रहा हूँ, ये बात तो मत बोलने का तू। नहीं बोलोगी तो क्या कमीशन देगा? अरे तेरा पास तो है ना पैसा, ऐसे फ्री में कुछ नहीं करने का है। बस बस कर। हाँ। देख देख अब चुप चुप रहा। इसकी पढ़ाई नहीं हुई क्या? क्यों पढ़ रही है? छोटो आजकल कपड़े तो बहुत महंगा हो गया। हमें ओवरएक्टिंग नहीं करना है, ठीक है? मेरी बच्ची तू किस लिए इंतजार कर रहा है मैं जानता हूँ। मुझे भी पता है। हाय, मेरे लिए यूनिफॉर्म लाया है क्या? इसलिए हमने बाजार गए थे ना। तू क्यों ऐसा देख रही हो? ये तो नया कपड़े है, सिला के बहुत दिन हो गया ना, इसलिए दाग होगा बस। अभी देखा आपने क्या हो गया, इसलिए मैंने तभी बोला था कि ऐसे नहीं खरीदना है। मेरा पास तो पैसा नहीं था, इसलिए तेरे साथिया हेमा से लेके आ रहा हूँ। बट पड़ा हुआ कपड़ा ये तो मैं नहीं जाना। ठीक है पा, सर दर्द के वजह से मैं नहीं गया, ऐसे बोलूंगी मैं। शांति, हमारे जैसे लोगों को एक दिन में 3 बार खाना मिलना ही बहुत बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात है अच्छा ड्रेस पहन के स्कूल जाना, वो तुम्हें भी पता है। जो भी है, जब तक ये रामू है तब तक तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं। अब तुम खुश हो गए ना? एक और बात है, स्कूल के एनुअल डे के दिन अच्छा स्पीच देना चाहिए। बड़े घराने के लोगों के सामने मेरी शांति फर्स्ट रहना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं, अच्छी पढ़ाई करके स्टेट फर्स्ट आना, हमारा गौरव को स्थापित करना, तभी हम जैसा लोगों को इज्जत मिलेगा। तुम वो जरूर कर सकते हो और मुझे उसका विश्वास है। अच्छा पढ़ाई करना, ठीक है? मैं जाके नहा के आता हूँ। ठहरो, मैं भी आता हूँ, स्नान करके आ जाता हूँ, जाएंगे। हाँ ठीक है, आइए। ये देख,
मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड में 4 बार फेल हो गया, ये सबको मालूम है। मैंने उसी दिन ही ट्राउजर पहना हुआ था, मैंने अभी तक ये नहीं बदला है। तुझे तो नया ड्रेस मिल गया है अभी। ध्यान से पढ़ो, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो मेरे से पूछना, ठीक है? अभी मुझे जाना है, अगर एग्जाम में फर्स्ट रैंक नहीं मिला ना तब दिखाऊंगा। हेलो, हाँ ठीक हो ना? लंदन से कल ही आया हूँ, आज जरूर मिलूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। नोएडा फैक्ट्री से फोन है आपका। हेलो, हाँ तैयार हो गया। 500 लोड स्पिरिट को तिरुनेलवेली आंटाल डिस्टिलरीज के लिए फिल कर दो। डिस्काउंट क्या? वो मेरा पीए पता नहीं सर, कुमार है। कुमार बताएगा। राजस्थानी है। अरे सेठ जी कैसे हो? हमारे बॉस के लिए तो पैसा कोई बड़ी चीज ही नहीं है, सभी के लिए 10% डिस्काउंट देते हैं, आप ही के लिए 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। सर, सिटी बैंक मैनेजर। मराठी है क्या? हाँ। अरे बताओ भिड़ू कैसे हो? मैनेजर क्या? अरे मैं आलतू फालतू लोगों से बात नहीं करूंगा, जनरल मैनेजर को फोन दो। ए, तू फोन रखो साले। डैडी। प्रोग्राम के लिए टाइम हो गया, आप रेडी है क्या? ऐश्वर्या जाओ मत, प्रोग्राम कैंसिल। आई एम करेक्ट? खींच के डैडी प्लीज। प्रोग्राम 10 बजे है कि नहीं पूछ रहा है। मैं तो बस पागल। हाँ सुरेश। बोलिए सर। आज 10 बजे के फ्लाइट से दुबई जा रहे हो? यस सर। वहाँ जाते ही मुझे फोन कर देना। जी सर। रवि सर, मिस्टर डिसोजा कनाडा से आ रहे हैं। हाँ सर। उनके लिए ओबरा में होटल बुक। ठीक है सर। तुम उनके साथ रह के सब देख लेना, ठीक है? ओके ओके सर। प्रेजेंटेशन रख दिया है क्या? ऑलरेडी रख दिया है मैडम। भाई साहब कुछ भी काम दे दो मैं कर लूंगा। आप जो भी बोलेंगे तो हम करेंगे। हाँ जी। मैं जो बोलूंगा करोगे? बाहर जाओ। भाई साहब ऐसे नहीं बोलेंगे। जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ तुम बाहर जाओ। भाई साहब मत करो, जाओ बाहर तुम लोग। भाई साहब समझो ना, मेरे घर के काम वाले भी MBA पढ़कर आए हैं, इन सबको मार के बाहर फेंक दो उनको। निकलो तुम बाहर यहाँ से, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। छोड़ो भाई साहब, निकलो बाहर यहाँ से। भाई साहब जा रहे, छोड़ो। प्लीज प्लीज। डर गए क्या? डर मुझे ध्यान कर भाग दिया मैंने। मेरी बेटी हो ना। बैठो प्लीज। इवनिंग को कॉल करना बोलिए मत। मेरी बेटी हो ना। पुलिस को मैंने इन्फॉर्म नहीं किया है, मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ ना? वो सब हमारा बॉस डिसाइड करेगा। मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। ऐश्वर्या अरे उसे कुछ मत करना, उसे कुछ मत करना प्लीज प्लीज। छोड़ दो उसे, मैं पहले से कह रहा हूँ, मैं पुलिस को बुला दूंगा। जा बुला पुलिस को, यहाँ भगवान के अलावा और कोई नहीं अंदर आ सकता। करो उसको रेप। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो उसे, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। उसके साथ कुछ भी कुछ मत करना प्लीज, मैं जिंदा हूँ मेरी बेटी के लिए प्लीज। मेरी मणि, 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 मेरी बेटी को बचाओ। तेरी बेटी की जान खतरा में है, तू देख नहीं पा रहा ना? सिर्फ यही जीवन है क्या? जा रे, तू जिंदा रहने के लिए सब बच्चों को तू जिंदा जला दिया ना, तू कमीने कमीने। अबे वो बच्चों लोग क्या पाप किए थे? अबे जो लोग मरा है उनको ही दफन करेंगे रे, तू तो छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया ना रे।
झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसकी बात मत मानो, मेरी बेटी को कुछ मत करो। बेटे तुम्हें क्या चाहिए बताओ, कितना पैसा चाहिए बताओ। देगा तू? हाँ, कुछ भी मांगूंगा देगा। हाँ, मांगो मांगो, जो चाहिए मांगो, जितना चाहिए मांगो। मुझे मेरा शिवा चाहिए, मुझे मेरा मीरा चाहिए, मेरा कर्णन चाहिए, मेरा मुक्तू, माणिकम, मीनाक्षी, लक्ष्मी, सब चाहिए मुझे, दे मुझे वापस। चौबीस मासूम बच्चों को तूने जला दिया कमीने, क्या तुम मुझे अपने बच्चे वापस कर सकता है? बोल, बच्चे वापस कर मेरे। माया नहीं, मंत्र नहीं, माया जाल नहीं, यहाँ देख बे, यहाँ मैं हूँ तेरा वो रामू। रामू? ए कदर, लगा उस पे पेट्रोल। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को कुछ मत करो। मनी 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 मनी, मेरी बेटी को कुछ मत करो, उसे बचा लो प्लीज, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरी बेटी को कुछ मत करो। मनी इनको बताओ जरा। हाँ छोड़ देता हूँ, मगर 24 बच्चों को जला दिया ना उसीलिए, और जमीन औरत को मार डालना, तुझे फांसी देना पड़ेगा। नहीं, मुझे फांसी नहीं चाहिए, मैं और मेरी बेटी कहीं भी चले जाएंगे। मनी तू जो भी बोले, तू जो भी बोले, जैसे भी बोले, वो मैं करूंगा। ये कौन सा ऑफिस है? पोस्ट ऑफिस। क्यों सर, आज सुबह आपने दवाई नहीं ली क्या? भाई साहब का घर है। कौन से भाई साहब? हमारे राज्य के नेता। ओ अच्छा, हमारे भाई साहब। अच्छा वैसे बोलना, चकमान। अगर तू भी नहीं होता तो मेरा टोपी कब तक उड़ जाता। बहुत थैंक्स सर। अरे अरे मेरा टोपी पकड़ ले। आपकी टोपी कभी गिरने नहीं दूंगा ये रमेश। थैंक यू थैंक यू। अरे ये कौन है? हीरोइन? अरे हीरोइन का नाम क्या है? हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ये। प्रिया अलेक्जेंडर। नमस्कार नमस्कार। मेरा मेमोरी थोड़ा कम है। ओ मुझे मालूम है। सॉरी। ये उड़ेप्पा पागल है और उसका साला उससे बड़ा पागल है, वो दोनों बिल्कुल नालायक। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। बोला अभी पकड़ूंगा, कहाँ है? हीं? किसकी बात बोल रहे हैं? आपकी साले की बात कर रहे हैं। ओ अच्छा, उनकी बात। सर वो पैसा सरेंडर करके अगले फ्लाइट में इंडिया छोड़ के चले गए सर। मेरे साले के बारे में मेरे को अच्छे से पता सर, इसके पीछे कुछ तो कारण है सर, नहीं तो वो ऐसे बाहर नहीं जाएंगे। चुप रहो, तो तेरे साले को अंदर रखना। हंसो मत, ये खेलने का वक्त नहीं है। रामू बोल के उड़ेप्पा ये किया, यही तो हम बोलना बार इलेक्शन आता है ना। अबे डीजीपी, उड़ेप्पा को कंग्रेचुलेट करना, मीटिंग तैयार करो। ये देश उन्नति पे पहुंचेगा। हम तुम एक कमरे में बंद हो, वहाँ सौ लोग सोएंगे। कहाँ है मेरे बीवी? आज से प्लेटफॉर्म में कोई नहीं सोएंगे, क्योंकि हम सब लोगों को अलग अलग घर मिलने वाला है। माधुरी देखो मैं क्या लेकर आया हूँ तेरे लिए। आज ये सलमान खान मेरे माधुरी से डिंग डंग बिल, डिंग डंग बिल। कहाँ है मेरे माधुरी? आज तुझे सोने नहीं दूंगा, मैं आ रहा हूँ। गमन तीन सलाम बेवड़ा, जरा के तू फिर मेरे तो के तू यहाँ जा। माधुरी तू कौन है? मेरे बीवी के साथ सो रहे हो? मेरे बीवी को क्या बीवी बोलता है? तू भी माधुरी नहीं है? छोड़ दो। ओके, मेरे माधुरी की बदबू नहीं नहीं, मेरी माधुरी की खुशबू आ रहा है, यही है मेरे माधुरी। माधुरी कौन है ये? क्या माधुरी से अमजद खान वाइस आ रहा है? अरे साले तू, मेरा माधुरी बदल गई। कुछ नहीं हुआ, तू पागल हो गया। साले पागल क्यों बे? मैं तो यहाँ पे दो पिग मार के सोने की कोशिश कर रहा था और तूने मुझे उठा भी दिया। मेरे बीवी माधुरी की येलो साड़ी यहाँ है, वो कहाँ है? तेरी बीवी उड़ गई। किसके साथ कहाँ? वहाँ।
है जिंगली बिली, फुटबॉल जैसे यहाँ आए हो। वो साले ने गोल मार दिया। इतने दिनों से तुझे तेरी पत्नी को पहचाना नहीं है क्या? उसके लिए ही मैं कोशिश किया मगर उसने मुझे मार दिया। रोज यही काम है तेरे को, मार का करे मर जाएगी तू। मेरा बीवी कहाँ है? मेरे बीवी माधुरी को नहीं देखा तो मैं सो नहीं सकता हूँ। ठीक है, वो सेकंड शो सिनेमा देखने गई है, अब जाकर सो जाओ। बस तू कौन सी शो में जा रही हो? हाँ, उससे भी दूसरा शो जा रही हूँ। मैं भी आ सकता हूँ क्या? अरे चुप, जा यहाँ से। आ गया साला, एक और कटिंग डालकर सो जाओ। मैं भी कितने दिन से पूछ रहा हूँ, तेरे साथ एक शो देखना है देखना है। तू ऐसे बोले तो मैं क्या? कहाँ, इस झोपड़ी में? झोपड़ी में ही अच्छी अच्छी फ्रेश पीस मिलेंगे भाई साहब। वही है लड़की, ये घटिया माल। आपकी कसम वो फ्रेश है, अच्छी अच्छी कपड़े पकड़ कर देखिए, आपकी घर वालों को भी अच्छी लग रही है। उसने सही बोला है, उसको देख वो भी सुंदर ही लग रही है। सो कम ऑन भाई साहब, मेरा फीस। फीस? क्या फीस? फ्रेश पीस है, सो मेरा फीस आप दे रहे हैं। ठीक है, जाइए जाइए, उठा कर जाइए। तुम बेचारी बच्ची स्ट्रीट लाइट के रोशनी में पढ़ाई कर रही है। हाँ यार, पास आने के बाद ही पता चल रहा है कितनी खूबसूरत है ये, वो भी कमल के जैसे। वो फूल नहीं है, देखा नहीं, चला जा। पिताजी, रुको। अरे बाप को क्यों बुला रही है? मैं हूँ ना, आजा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे रुक जा, भैया। रुक जा वहाँ, भैया। मत बोल रहा ना, भागो मत, भैया। रुक जाओ, ए उसको छोड़ना मत, जाओ। रुक वहाँ, मुझे बचा लो। मेरी बात सुन। भाग नहीं सकते हो, रुको। छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। ये भी अच्छा ही लग रहा है, छोड़ दो। लाइफ में कभी मैंने ऐसे ट्राई नहीं किया है। नहीं नहीं, आजा, छोड़ दो। अरे आजा ना, प्लीज। तुझे पता है कितने पैसे मैंने दिए? सर किसी ने आपको धोखा दिया है, मैं ऐसे वाली लड़की नहीं हूँ सर। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, 500 या 1000 एक्स्ट्रा भी ले ले, आ जाओ। भगवान कसम, मैं ऐसे वाली लड़की नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मुंह बंद करो ना, तुझे पता है मैं कौन हूँ? आज तक जो भी मुझे चाहिए था किसी भी चीज को छोड़ा नहीं मैंने, अभी चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। ड्रामे मत करो, आप लोग बड़े बड़े लोग हैं, भगवान के नाम से हमें छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं किसी को कुछ नहीं बोल दूंगी, प्लीज। हाथ छोड़ कर आपसे भीख मांग रही सर, प्लीज। ए, ए, क्या कर रही है? निकलो। हे, चल। क्या? कहाँ भाग रहे हो? हाँ? मुझे बेवकूफ समझा है क्या? निकालो पैसा। तो मैं पहले दे दिया ना। ओ तो एडवांस है, सेटलमेंट कहाँ है? तेरे से कभी भी झंझट ही है। साला तुझे। बस पर बस पर दे दो। चल हट। कौन है रे तू? मेरे जगह पे आया है? कौन है रे तू? शादी? क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? एक
आदमी आ रहा है मेरे पीछे, प्लीज मुझे बचा दीजिए दीदी। सिर्फ आप मुझे बचा सकते हो। ठीक है, तू उस तरफ जाओ, मैं देखती हूँ। ये आदमी कहीं देखा है उसे? धक्का दिया ना तुझे? कौन है तू? जो भी हो, इसका मतलब क्या है तुझे? छोड़, कौन है तू? बोल, छोड़ मुझे। ऐसे ही छोड़ूंगी क्या? पैसे दे दो, दो पैसे दो। कहाँ रखा है? मुझे निकालो पैसे, कहाँ रखा है? निकालो जल्दी। छोड़ दे, मैं कैसे छोड़ूंगी? मैं दे दूंगा, मैं छोड़ ना। अरे सुन मेरी बात, निकाल ना तेरी। डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर टीचर्स, हमारे पाठशाला के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि बनकर और नई पाठशाला खुलने के लिए होम मिनिस्टर जी आने वाले थे। होम मिनिस्टर गणपति जी को मुख्य मीटिंग में अटेंड करना है, इसीलिए नहीं आना पड़ा। फंक्शन को ना रुकने के कारण अपने जगह पर अपने बेटा राजू को यहाँ भेजा है। आई एम वेलकमिंग राजू सर टू द डायस। नमस्कार सर, कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ सर। अब हमारे स्कूल के बारे में कहने के लिए हमारा स्टूडेंट शांति को बुला रही हूँ। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम और हमारे चीफ गेस्ट और आप सब लोगों को मैं यहाँ स्वागत कर रही हूँ। नमस्ते। मैं सड़क में रहती हूँ और मुझे ऐसा मौका देने के लिए, ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, प्लेटफॉर्म में जो रहते हैं जिसका कोई एड्रेस नहीं है, जैसे मैं यहाँ हूँ, ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं और हमें एडमिशन देने के लिए प्रिंसिपल मैडम से मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। लेकिन और बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो भी मैं जानती हूँ। हमें दर्द पहुँचने में ऐसे लोगों को बहुत खुशी मिलता है, ये भी मैं जानती हूँ। और कल रात ऐसे ही कुछ हुआ था और मुझे पता नहीं है कि मैं ये सब कैसे यहाँ बोल दूँ, लेकिन चुप बैठना भी मुझसे नहीं होगा। मैं कल रात ट्यूबलाइट के नीचे पढ़ रही थी, उसी टाइम पर ये हुआ था। वो क्या है ना? नहीं चाहिए। मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए एक नया यूनिफॉर्म लिया है। ये आप लोगों के लिए उतना बड़ा बात नहीं होगा, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों के लिए 2-3 साल में ही ऐसे नए कपड़े मिलते हैं, और ये सब जानकर भी हमें दर्द, दुख और दुर्घटना पहुंचाना मजा आता है ये लोगों को। क्या है सर, गर्मी है क्या? नहीं नहीं कोई नहीं। कविता फैन को स्पीड रखना। यस मैम। सर आप मिनिस्टर के बेटा है ना, आपको हमें हेल्प करना ही है सर, प्लीज। आई एम सॉरी, जिस बात को मुझे यहाँ बुलाया गया था वह तो मैं भूल ही गई, आप लोग मुझे माफ कीजिएगा। एक और बार मैं आप सभी लोगों को यहाँ स्वागत कर रही हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद सर। शांति नाम शांति है। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट। सिर पर क्या हुआ? वो क्या है ना मैम, कल रात मैं सॉरी मैं नीचे गिर गई मैडम। ठीक है तू जा। थैंक यू मैडम। आ, 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 आ,
ए, तुम लोग को इतना भी अंदाजा नहीं कि मैं कौन हूँ। तू कोई भी हो, मुझे क्या। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हारी ये मजाल, तुमने मेरी बहन पे हाथ रखा। अगली बार अगर तुमने मेरी बहन को छुआ, वो मेरी बहन है, वो मेरी जीवन है। अगली बार अगर तुमने कुछ किया, मार डालूंगा मैं। बहुत बड़ा हीरो बना है ना, अभी मारो, मारो मुझे। ए, मैं तुझे। उठ जा, उठ। ए, वो रस्सी ले गया। ए, अब कैसे है, क्या ऐसे देख रहे हो? मैंने ही तुझे दिखा दिया है। हमारे सब लोगों को इतना कम सोचा है क्या? मैं पैसे के लिए जा रही हूँ साले, बिना माँ बाप के नाम पता नहीं है कितने बच्चों को पाल रहे हैं, मालूम है तुझे? वो सब बच्चों भूखे के लिए तड़पने से मेरे बारे में कभी सोचा तक नहीं है। अगर निशा उड़िया तो लड़की चाहिए रे तुझे, क्या सोचा है हमारे बारे में? तू बड़े आदमी है क्या, इतना रईस है? अगर भगवान सोचा तो तुझसे भी बड़ा होगा मैंने। मगर मेरी किस्मत है ना, गलियों में लाकर छोड़ा है। चे, चे। हाँ, अभी वो पेंट लगाना बस हो गया, जाके नहा क्या? दीदी कहाँ हो आप? उस दिन आपके पीछे जो लड़का था ना, वो अभी भैया के साथ है, बहुत मारा है। कहाँ है? वहाँ पे। आप जल्दी यहाँ से जाइए, क्या देख रही हो? भैया आपको मार डालेगा, जाओ यहाँ से। आप बड़े बड़े लोग हैं, भगवान के नाम से भैया को कुछ नहीं कहिएगा। मेरे भैया के लिए मैं माफी मांग रही हूँ, प्लीज आप यहाँ से जाइए। सुनो मेरी बात, कल तक मैं बुरा आदमी था, स्कूल में जैसे तुमने बर्ताव किया उसी में मैं बदल गया। उसी वक्त से मैंने अपना गलती एहसास करना शुरू किया। तुम्हारे लिए इस दुनिया में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हे राम, ऐसा मत बोलिएगा, भैया भी आएगा, प्लीज यहाँ से जाइए। कोई भी आए, कुछ भी करे, मुझे उसका कोई डर नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और मोहब्बत चाहिए। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? जल्दी यहाँ से जाइए, प्लीज प्लीज। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अपना जीवन भी दे सकता हूं। ये
आइए मैडम। मिनिस्टर को देखने के लिए यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? अगर अगर वो घर पे नहीं है तो वो इधर ही कहीं रहेंगे मैडम, उन्हीं को मैं ढूंढ रहा हूँ। हिप्पोपोटामस। अरे अरे भगवान, अभी ऐसे क्यों हंस रहे हैं? नमस्कार मैडम जी, बैठिए। नहीं सर, मैं रूम में वेट करती हूँ। प्रिया अलेक्जेंडर आईएएस, बहुत दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इस मिनिस्टर गणपति के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है बेटा। ठीक है, वो सब जाने दो, मैं असली मुद्दे पर आता हूँ। उस नल्ली कुप्पम के भिखारियों को वहाँ से हटाकर उस जगह को मेरे नाम पे करो। उस कॉन्ट्रैक्टर को कुछ ज्यादा तजुर्बा नहीं है ये सब कहकर बाकी बचा जो 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमारे गुंडप्पा को दे दो। अगर वो जल्द ही नहीं हुआ, क्या होने वाला है ये मुझे भी नहीं पता है बेटा। क्या है सर, धमकी दे रहे हैं क्या? आप जैसे बड़े आदमी छोटे लोगों के पैसे लेकर अपने पैसे जैसे फुजूल खर्चे कर रहे हैं। इसमें मुझे कुछ नहीं करनी है। आई एम सॉरी सर। रुको, करोड़पति अलेक्जेंडर की एकलौती वारिस। ओ माँ भूख लगी, माते भूख लगी। तुम्हारा इतिहास मुझे पता है। आईएएस पढ़कर भी ट्रेन पर गाना गाकर भीख मांगने वाली जो तू है, अभी तक बदली नहीं ना। कहाँ है वो तेरा बाप, वो भिखारी अलेक्जेंडर? स्टॉप इट, जो कुछ कहना है मेरे बारे में कहिए। फादर अलेक्जेंडर के बारे में कहने के लिए आपका कोई हक नहीं है। 3 साल तक ट्रेन में भीख मांगने वाली मुझे लेकर आईएएस तक पढ़वाया है मुझे फादर अलेक्जेंडर। वो मर जाने के बाद मेरे नाम के पीछे उनका नाम है कि आप जैसे लोगों से बचने के लिए है। आप लोगों ही मुझे करोड़पति कह रहे हैं, मैं नहीं। मिस्टर गणपति, आप जैसे सोच रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। गुड बाय। जल्दी जाओ, जल्दी चलाओ ना। इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं हम? कलेक्टर मैडम देखने के लिए। बहुत नष्ट हुआ, हमको मदद करके नौकरी गया ना उनको। ए, बाहर निकल। अबे बाहर निकल। क्या? चल चल चल। जैसे मैं बोला तो सुनोगे ना तू? अब मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो बुला ही नहीं, मुझे छोड़ दो ना। रखो दे, मैं नहीं करूंगा, छोड़ दो मुझे। रखो, नहीं रखो तुम। बुड्ढे बहुत मरो, रखो ये तो मर जाएंगे। मारो मारो उसको, मारो। अंगूठा रख रहे हो? नहीं, अरे साले अंगूठा रख, रख जान प्यारी है तो रख, नहीं तो तेरी लाश बहेगी। अभी वो रखेंगे। रख रख।
आपने यहाँ आने के लिए क्यों बोला? आज से मुझे हर दिन तुमसे मिलना है, इसीलिए। क्यों, तुम नहीं चाहते क्या? नहीं, मुझे पता नहीं है, वो मेरे भाई और पिताजी को अभी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उनको पता चला तो कि हम आपस में मिल रहा है तो। तुमसे सच बोलूं तो तुम्हारे पापा और भाई के बारे में सोच के मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर पे इतना पैसा होने के बाद भी मेरे पापा पैसे के पीछे भागते रहते हैं, पर इतना गरीब होने के बाद भी तुम्हारा भाई दूसरों के लिए इतना काम करता है। मेरा बाप तुम्हारे भाई के पास भी नहीं आ सकता। क्यों, कोई भी इस दुनिया में उसके जैसे नहीं हो सकता। तुम्हारा भाई बहुत अच्छा आदमी है, वो सिर्फ दिल से नहीं दिमाग से भी काम करते हैं। मेरे पापा के गुंडों को भी मार के वापस भेज दिया ना, तुम्हारे पापा और भाई के जैसे मेरा कोई नहीं है। नहीं, आपका पिताजी है ना, और वो एक बहुत बड़ा मिनिस्टर है। बहुत बड़ा मिनिस्टर है, पर तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है और कितना चाहता भी है। वैसे मेरे लिए कौन है बताओ? मैं एक सच बोल दूं, वो मेरा खुद का पिताजी नहीं है और रामू मेरा भाई नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी मुझे बहुत याद है। भूख लग रहा है अम्मा, भूख लग रहा है अम्मा, मुझे कुछ तो दीजिए ना, मुझे भूख लग रहा है अम्मा, बहुत भूख लग रहा है। चम्मच को तो गरम कर, कल तो उत्सव है ना, हम तो कुछ खमाना है ना। कर रही होगी, जब मैं छोटी थी मेरा किडनैप हो गया था उस जानवर ने किया। हम पर बहुत अत्याचार करके वो लोग बहुत पैसे कमाया था। हम मंदिर के वहाँ, मॉस के वहाँ, सभी जगह पर भीख मांग रहे थे, और मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे लोग भी थे। वो लोग ऐसे करते करते बहुत पैसे कमाए थे, और जब हमको भूख लग रहा था पानी भी नहीं देते। अगर हेल्थ है तो भीख नहीं मिलेगा ना, और हम बहुत खाना पीना किया तो हमें कोई भीख नहीं देगा ना, इसलिए ऐसा किया था। अम्मा अम्मा बोलकर मैं बहुत रो रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरी खुद की माँ भी ये मंदिर आएगी, और जब वो मुझे देखेगी वो भागकर मेरे पास आ जाती और मुझे गले पे लग जाए, इसलिए मैं रो रही थी। लेकिन कोई नहीं आया। ऐसे ही एक दिन भगवान के जैसा मणियप्पन आया और मुझे साथ ले चला। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि मैं अपनी माँ को या पापा को एक बार देख सकूं। मैं तो ऐसे ही जीने वाली हूँ। इस जन्म में तुम्हारे लिए मैं रहूंगा। क्यों रे बेशरम, प्यार करने के लिए तुझे भिखारी नहीं मिली क्या? तेरे बाप का एक तरफ ही तुझे पता है, परली तरफ का तुझे अंदाजा भी नहीं है। मुझे पता है तुमने ही मेरे माँ को मारा था। हाँ? मुझे पता है कि तुमने मेरे माँ के साथ क्या क्या किया था। बदतमीज लड़के। मुझे आप यहाँ क्यों लेके आए थे? मैं जा रहा हूँ।
तेरी दुनिया यही है, उस लड़की से तू मिल भी नहीं सकता। पापा इनको बोलो छोड़ने के लिए, बोलो ना। सब लोग इकट्ठे आए हैं, क्या बात है? हम सभी लोगों का सिर्फ एक ही सपना है कि आने वाले इलेक्शन में हमारे रामू को कैसे भी टिकट दिलवाना है। ऐसे है क्या? वेरी गुड। मैंने तो तभी बोला था कलेक्टर मैडम हमारे लिए सपोर्ट करेंगी। इस पेपर में क्या लिखना ये तो हम नहीं जानते, आप ही तो हमको पूरा मदद करना है। जी हाँ, आप लोगों को जो भी चाहिए वो मैं कर लेती हूँ। मगर रामू, आपके नाम वोटर लिस्ट में है क्या? नहीं मैडम। तो कैसे इलेक्शन में खड़े सकते हैं? वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, रेशन कार्ड भी नहीं है। लॉ कहते हैं कि ऐसे लोगों को देशवासी नहीं है। रेशन कार्ड लेने के लिए बहुत बार घूमा मैंने, घर चाहिए, घर का पता चाहिए, सब कुछ पूछ रहा हूँ। लोग वो सब नहीं है हमारा पास, मगर हम भी तो यही देश में तो पैदा हुआ ना, यही तो जी रहा हूँ। जो कुछ कह रहे हैं ठीक है, मगर यहाँ तो देशवासी ना होने के कारण इलेक्शन में नहीं कर सकते हैं। इतने लोग एक साथ बोल रहे हैं तब भी नहीं कर सकते क्या मैडम? लोग कहने से नहीं होगा, पहचान होनी चाहिए ना। पहचान पहचान, हम एक चाय पीते हैं या कोई भी सामान लेते हैं, उसका टैक्स तो गवर्नमेंट को ही जाता है ना। उस समय गवर्नमेंट हमारी पहचान क्यों नहीं पूछता है? गवर्नमेंट को हमारा पैसा चाहिए पर हमें कोई पहचान नहीं दिलाएगा। क्या करें रामू, हमारा जुनून यही कहते हैं, यही तो रीति है। देखिए मैडम, हमें ये नीति के बारे में कुछ नहीं पता। आप जो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं होता मैडम। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है मुझे माफ कर दीजिए। आइए बाबूजी। मैं मंत्री का बेटा हूँ, लेकिन मुझे राजनीति की समझ नहीं। हमारे देश को बचाने के लिए राजनीति की समझ होना जरूरी नहीं है, ऐसे मेरे पिताजी कहते रहते हैं। लेकिन नेतागिरी कैसे करनी है वो सिखाया है। मैं अमेरिका, जापान, लंदन, वेस्ट जर्मनी, इटली ऐसे देशों में घूम चुका हूँ। अगर मैं इस इलेक्शन में जीत गया, इस देश में गरीब लोग या झुकी झोपड़ी बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ पर एक भी भिखारी या मजबूर आदमी नहीं देखने वाला। यहाँ की झुकी झोपड़ियाँ सारी बुलडोजर चला के गिरा के उसके बदले बड़े बड़े अपार्टमेंट बनवा कर मैं बिकवा दूंगा। तो वहाँ के गरीब लोग क्या करेंगे? उन सबको कचरे के ट्रक में भरकर शहर के बाहर बिकवा दूंगा। तिजोरी भरने के लिए हम जैसे लोगों के पॉकेट से पैसे चुराने वाले इन मंत्रियों को यहाँ से भगाने के लिए सिर्फ हम ही काम कर सकते हैं। रामू के लिए, उसके लिए इलेक्शन में आप सबको मुझे जितवाना चाहिए। पर इस जगह पे उन दो मंत्रियों के खिलाफ लड़ने वाले इस नेल्लिकुप्पम रामू का नाम नहीं है। उसका कारण है मेरे पास रेशन कार्ड नहीं है या किसी भी किस्म का पहचान। मैं अनाथ हूँ, भारत में पैदा हुआ मैं एक अनाथ हूँ, इसलिए मैं सड़क पे जी रहा हूँ। इसलिए मैं इस गवर्नमेंट के कोई भी पहचान का हकदार नहीं हूँ। मेरे जैसे बिना एड्रेस वाले और प्लेटफॉर्म में जीने वाले सैकड़ों लोग हमारे इस भारत देश में 10 करोड़ से ज्यादा है, तो वो आप विश्वास करोगे? पर वो है आज का सच, बड़ा सच। पैदा करने के बाद हमें सड़क पे फेंक दिया था अपने माँ बाप ने, हमें इस दुनिया में जन्म नहीं लेना था। मैं अनाथ हूँ, क्या वो मेरा गलती है? मेरे माँ बाप नहीं है, क्या वो मेरा गलती है? मुझे अपने जात और धर्म का पता नहीं है, मेरे पहचान न होने के वजह से इस इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, क्या वो भी मेरा गलती है? बताइए वो किसका गलती है, बोलिए, आप ही बोलिए। इस दुनिया में रहने वाला हर बच्चा भगवान का बच्चा होता है। इस दुनिया में जीने का हक हर बंदे को होता है, वो बड़ों ने बोला है। अगर वो सच है तो इस दुनिया में प्राप्त हो रहे हर धन और सुख इस दुनिया में जन्म वाले हर बच्चे के नाम पे लिख देना चाहिए। क्या यहाँ उसका कोई कानून है? नहीं है, क्योंकि हमारे देश का कानून पैसे वालों के लिए पैसे वाला द्वारा बनाया गया है। इसी के कारण मेरे जैसे सैकड़ों रामू इस दुनिया में सड़ रहे हैं, पर ये रामू ऐसे सड़ने के लिए तैयार नहीं है।
इस इलेक्शन में मैं सरकार को एक चुनौती देता हूँ। यहाँ के सभी लोग मतदान करने के लिए जाना चाहिए और मुझे वोट दो। ओ, कैसे है बेटा? मेरा नाम जब लिस्ट में नहीं है मुझे कैसे वोट दे, वही है ना सवाल। उसका भी उपाय है, अगर आप सब मुझे दिल से प्यार करते हो तो मतदान सेंटर पे जाने के बाद वोट लिस्ट लेके उंगली में स्याही रखने के बाद किसी को अपना मतदान मत देना और वोट बॉक्स में डालना। जब रिजल्ट आता है किसी ने अगर मतदान नहीं दिया है वो बेकार वोट नहीं है, वो मेरा वोट है, उसका मतलब मैं जीत गया। अगर ऐसा हुआ तो मुझे यहाँ का MLA बनाने के लिए क्या ये सरकार तैयार है? ये दोनों पागल है। मुझे नहीं पता कि वो पागल है, पर वो भीड़ देखा ना आपने, वहाँ की आवाज यहाँ मेरे कान फाड़ रही है। नेता सही बोल रहे हैं, अभी उसको मेंटल हॉस्पिटल में डाल देना चाहिए। वो बोला जैसा सब लोग वोट नहीं डाला तो मेरा बेटा जीत जाएगा, हमारा पार्टी वोट तो हमको ही ना मिलेगा, आराम से जीतेंगे। वही अगर ज्यादा वोट गिरे तो आप क्या करेंगे सर? अरे भगवान, अरे वो जो बोला हो तो हुआ, तो वो मेरा कैबिनेट में होम मिनिस्टर बन जाएगा, ठीक है? ये ठीक है ना? नमस्कार भाई, इलेक्शन का न्यूज। ऐसा देखा जाए तो जो वोट उन्होंने डाले हैं उसका कोई मान्य नहीं है, मगर चुनाव के प्रचार के समय एक अद्भुत सी बात इस कॉन्स्टिट्यूशन में सामने आई है। चुनाव के प्रचार के अनुसार अनाथ लड़का नेलिकुपम रामू, थप्पा ना लगाने वाले वोट अधिकतर गिरने से मेरी जीत स्वीकार कर सकती है क्या सरकार, ऐसा प्रश्न उठाया था। मैंने उसी दिन कहा था ना, उस लौंडे को उठा लो। छोड़ दो ये सब आहिस्ता करने का, उसको तो है देख। सुरंग कहाँ है बताओ? टीपू सुल्तान का सुरंग तिरची में है सर। आ जा रहे बेल सर, पूछ रहा हूँ तो मस्ती मार रहे हो? Oh!
बताओ। नेपा को मैंने नहीं मारा है। कुछ लोग हमारा ज्योति को उठा कर जा रहा है गाड़ी से। कितने बार बोला मैंने, बोल बोल बे, कितने बार पूछो, बोल बोल। सर उसे मत मारिए। क्यों बे? मैं आपको बताता हूँ उदयवा कहाँ है। कहाँ है? आइए। पकड़ो। हाँ 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 हाँ, तू भी एक हाथ डाल। अरे वो भाग रहा है, जाके पकड़ो से। अरे नहीं सर, मैं कैसे जाऊँ, डर लग रहा है। तुम पुलिस में कैसे भर्ती हुए, यूजलेस फेलो। चलो मेरे साथ। शादी करने के लिए मेरा बेटा ही चाहिए क्या? सर हम सड़क के लोग हैं सर, और कोई रास्ता नहीं है सर, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। सड़कों पर पड़ी रहने वाली भिखारिन साली, तू मेरी बहू बनना चाहती है क्या? जब तक मैं जिंदा हूँ ये सब मुमकिन भी नहीं है, मैं होने नहीं दूंगा। तुम लोग तो चाहते ही हो कि मैं छपन के नहीं रहूं। अब जो तेरे साथ होने वाला है खुद ही देख ले।
तुझे तो तभी मार देना चाहिए था मुझे। ये मेरी गलती है कि तुझे पहले नहीं ठोका। आज मैं तेरा हिसाब। ये तुमने क्या कर दिया शादी? इसको मैं मार देता ना। आ, 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 आ,